नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रतिबंध के बावजूद जिले में कई स्थानों पर अवैध खनन जारी है। हैरानी की बात यह है कि इस समय बरसात के मौसम में भी कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील पुलों के आसपास जेसीबी से खनन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर शेरपुर स्थित सार खड्ड में जेसीबी मशीन खनन करने में लगी हुई थी। ऐसा लगता है कि संवेदनशील स्थान पर खनन करते हुए उन्हें किसी का भी डर नहीं है, जबकि इस स्थान पर खनन से करोड़ों के पुलों को भी खतरा हो सकता है। पुलों के आसपास दोनों दिशाओं में 500 मीटर की दूरी पर खनन पर प्रतिबंध होता है, इसके बाद भी बेझिझक खनन हो रहा है। बरसात के दौरान इस बार आई बाढ़ से पुल का पहले ही नीचे कंक्रीट से बना पैड क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे पुल के पिलर कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में जेसीबी से बड़े बड़े गड्ढे खोदकर पुलों को कमजोर किया जा रहा है। दिन के समय सभी के सामने हो रहे खनन को रोकने के लिए न तो संबंधित विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है और न ही स्थानीय आसपास के लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग का कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचता। इससे खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं। कठुआ से हमारे संवाददाता विकास पंडित की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।